आइए दोस्तों, आपको इंजन दौड़ के फायदे बताते हैं। इससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। शंकर जी के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। उन दोनों के बीच में एक बार कंपटीशन रखा गया कि जो विश्व का भ्रमण पृथ्वी का भ्रमण सबसे पहले करके आएगा उसकी भविष्य में पूजा पहले होगी। तो एक गणेश जी मानसिक दिमाग लगाया और कार्तिकेय शारीरिक दिमाग। गणेश जी मानसिक दिमाग लगाते हुए ये सोचिए कि धरती से बढ़कर मेरी माँ है और आकाश से बढ़कर मेरे प्रिय पिताजी। तो मम्मी पापा को ही पूरी दुनिया मान के वो उन्हीं का चक्कर लगा के सबसे पहले आ गए। और कार्तिकेय शारीरिक दिमाग लगा के विश्व भ्रमण करके लौटे और इस कंपटीशन में गणेश जी के विजय हुई क्योंकि तार्किक को मानसिक दिमाग लगाए। इसी तरह इसको कोरिलेट करके आपको इंजन दौड़ से बताते हैं कि जैसे कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम में दौड़ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और डीएसपी असिस्टेंट कमांडेंट और आईपीएस रैंक के अधिकारी को रनिंग करने की कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो मेंटली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। जैसे कांस्टेबल और एसआई को 8 किलोमीटर दौड़ने के लिए ग्राउंड चाहिए और सबक चाहिए। इंजन दौड़ उस चीज़ की रिकवरी बिना ग्राउंड के कम समय में भी कर सकता है। जैसे 8 किलोमीटर का दौड़ लगाने में कांस्टेबल और एसआई को उस वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन इंजन दौड़ 8 किलोमीटर यानी 5 माइल 1 मिनट में ही पूरा कर देता है। यानी 1 मिनट का इंजन दौड़ आपको 5 माइल के बराबर रनिंग दौड़ जैसे बेनिफिट देता है और 5 माइल बराबर 8 किलोमीटर होता है। यानी एक माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। तो आइए इसके फायदे के बारे में बताते हैं। संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य। दौड़ते समय शरीर में एंडोर्फिन ऐसे केमिकल उत्पन्न होते हैं। एंडोर्फिन केमिकल तब उत्पन्न होता है जैसे हम ये पेन किलर का काम करता है। जैसे हम एक्सरसाइज करने के बाद हमें शरीर में जो दरार पड़ जाता है उसकी रिकवरी को कवर करने में, भरपाई करने में ये मदद करता है। हमारे शरीर में कई प्रकार के निकलते हैं। चार उसमें से विशेष हैं डोपामाइन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, सेरोटोनिन हार्मोन्स, एंडोर्फिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स लव हार्मोन्स कहा जाता है। डोपामाइन हार्मोन्स आपको अगर कोई रिवार्ड मिल गया या फिर अवार्ड मिल गया तब महसूस होता है। और सीरोटोनिन हार्मोन्स आपको जैसे फर्स्ट रैंक आ गए आप किसी तब उत्पन्न होता है। और ये केमिकल हार्मोन्स हमें खुशी का एहसास कराते हैं और हम खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और तनाव में कमी आती है। तनाव कोर्टिसोल हार्मोन नाम के पदार्थ निकलते हैं। यह दौड़ने से अस्थमा का असर कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से श्वसन प्रक्रिया में सुधार होता है। जैसे हमारे दांत में अगर कोई कंकड़ फंस जाए खाने में एक निवाले में तो हमारा जीभ उसको होंठ के सहारे बाहर कर देता है। और नाक में कुछ फंस जाए तो हमारे नाक में बने मेम्ब्रेन उस चीज़ को छींक के जरिए बाहर कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आज के क्लाइमेट चेंज में PM 2.5 PM 10 एक पर्टिकुलेटेड मैटर पॉल्यूशन का एक पार्टिकल है जो इन मेम्ब्रेन को पार करके हमारे फेफड़े को कवर कर ले रहा है और साइनस यानी अस्थमा का बीमारी और एलर्जी का बीमारी हो रहा है, जिसमें ये दौड़ फायदेमंद होता है। नियंत्रित रक्त उच्चाप। दौड़ते समय धमनियाँ फैलती और सिकुड़ती हैं, इससे धमनियों का व्यायाम होता है, साथ ही रक्तचाप नियंत्रित होता है। हमारे जैसे आप नाली में आप नाली को ऑब्जर्व करें तो उसमें इतना गाद इकट्ठा हो जाता है कि पानी को आने जाने में दिक्कत होता है। अगर वो गाद हटा दें तो आप पानी इजली पास कर जाता है।
उसी तरह हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में घुटने के नीचे 1.5 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर रहता है। वो दौड़ने के दौरान हमारे धमनियाँ उसको हृदय हृदय जो कि हमारे शरीर का टुल्लू पंप होता है वो उनको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और मस्तिष्क तक पहुंचाने के मतलब कि हमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और हमें अच्छा फील होता है। इससे धमनियों का व्यायाम होता है, साथ ही रक्तचाप नियंत्रित रहता है। मजबूत प्रतिरोधक क्षमता क्षमता यदि आप नियमित दौड़ते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और आप छोटे मोटे रोगों की गिरफ्त में आसानी से नहीं आते हैं। इंजन दौड़ हमें बूस्ट हमारे लिए बूस्टर का काम करता है कि हमारे जैसे हम हमारे शरीर से फेफड़े से हवा हमारे शरीर से जो शुद्ध ऑक्सीजन होता है उसको फेफड़े के जरिए हमारे हड्डियों में पहुंचाता है और हड्डियों में WBC होता है और WBC ही हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। अगर वो WBC कमज़ोर पड़ता है तो लोग इजीली बीमार पड़ जाते हैं। इसे ये मजबूत करता है, हड्डियों का घनत्व बढ़ता है। दबाव के दौरान हमारा शरीर हड्डियों तक कुछ अतिरिक्त खनिजों की आपूर्ति करता है जिनसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दौड़ते समय भी यह प्रक्रिया लागू होती है जिससे समय के साथ हड्डियों का घनत्व बढ़ता है। अगर आपका हड्डियों का घनत्व कम हो जाएगा तो हड्डी के अंदर ही WBC RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। अगर इन तीनों पर असर पड़ा WBC आपको कमज़ोर पड़ जाएगा और प्लेटलेट्स जो कि नॉर्मल उसका संख्या होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, अगर इसमें थोड़ा सा भी कमी आता है तो आप इजीली बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं जैसे डेंगू मलेरिया। मजबूत और स्थिरता लिगामेंट और मजबूत स्नायु तंत्र होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जोड़ मजबूत होते हैं। घुटने कुल्हे और टखने की चोटिल होने की आशंका भी बहुत कम हो जाती है। अगर हम दौड़ते हैं जैसे आप साइकिल रखे हैं साइकिल को इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्रीस है चलते चलते उसका ग्रीस सूख जाता है। तो दौड़ते वक्त अगर आप स्त्री सिटिंग जॉब करेंगे सिटिंग जॉब करते करते आपका बीच के ज्वाइंट का लिगामेंट है उस सूख जाता है। लिगामेंट को ले भाषा में ग्रीस बोलते हैं। जैसे साइकिल में ग्रीस डालते हैं हमारे शरीर में लिगामेंट एक ग्रीस का काम करता है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लगे लगे जंग लग जाएगा और जंग लगने की वजह से हमारे दिमाग में जो ग्रे मैटर हो वो सिकुड़ने लगता है और हमारे सोचने की क्षमता और कमांडिंग यूनिट हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। घुटने खुलने मधुमेह में नियंत्रण होता है। इंसुलिन की प्रक्रिया में सुधार होता है और शरीर के रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। डायबिटीज के रोगी इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। दौड़ने से इंजन दौड़ करने से आपके पैंक्रियाज अग्नाशय से बैलेंस मात्रा में इंसुलिन निकलता है जो कि रक्त में शर्करा को किल करता है। दौड़ने के नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और अपने जीवन के ऊपर बेहतर नियंत्रण रख पाते हैं। और दौड़ते वक्त हमारे पैर के तलवे पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है और पैर के तलवे में एक्वा प्रेशर पॉइंट होता है। जैसे आप के रूम में पंखा हो ट्यूबलाइट हो टीवी चल रहा हो प्रेस का स्विच हो तो उसको अलग अलग ज्वाइंट अलग अलग तो उसका स्विच लगाते नहीं हैं एक जगह एक बोर्ड में ही लगाते हैं। उसी तरह हमारे पैर के तलवे में और हाथ के पंजे में ये सब बोर्ड का एक स्विच होता है। उसमें एक्वा प्रेशर पॉइंट पे एक साथ दबाव पड़ता है जिससे हमारा सारा शरीर पूरा एक्टिव रहता है। और जो सिटिंग जॉब करते हैं उनकी माइंड का आकार और जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी माइंड का आकार दोनों अलग अलग हो जाता है क्योंकि उनमें शुद्ध ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन उनके शरीर तक आसानी से पहुंचता है। इसीलिए एक्सरसाइज करने वाले ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सिटिंग जॉब करने वाले थोड़ा पैसिव रूप में यानी उनके अंदर
वो एक्टिवनेस नहीं रहती है, और हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन आता है उससे हमें नमकीन चीज़ खाने का मन करता है और हम फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, इससे हमें ये छुटकारा दिलाते हैं।